अंदर आना, इजाजत नहीं अंदर जाने की। अलाउड सब शब्द अलाउड। सरकार किसकी यहाँ चल रही है, किसका पासपोर्ट लगेगा, किसका वीजा लगेगा, कौन सा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ चलता है, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट अलग है, यहाँ इजाजत लेनी पड़ेगी अंदर आने की। हम जा रहे हैं भैया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग जा रहे हैं। हम आपकी बात देश के सामने रखना चाहते हैं। आप बात क्यों निकलना चाहते, बताइए तो। चलो ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, आप अपना ध्यान रखिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसी लड़ाई मत लड़िए। मेरा सिर्फ इतनी गुजारिश हो गया, फिर हमको चलना चाहिए। मुझे लगता है कि एड्रेस F30 शाहीन बाग जामिया नगर दिल्ली, फिर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया F23 शाहीन बाग जामिया नगर दिल्ली, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल F20 शाहीन बाग जामिया नगर दिल्ली, सारे एड्रेस जामिया नगर दिल्ली शाहीन बाग, सारे एड्रेस यहीं के हैं, यहीं कहीं पर। लेकिन आप, मैं तो कहता हूँ, अगर पुलिस भी चाहे तो जाकर आज जाँच नहीं कर सकती, भूल नहीं सकते। मैं तो आपको बता रहा हूँ, पुलिस है कि नहीं, इस बैरिकेड के बाद दिल्ली पुलिस शाहीन बाग के लिए खत्म हो जाती है। और इस बात को मैंने उस दिन उठाया जिस दिन हमारे साथ धक्का मुक्की हुई, जिस दिन हमारे साथ झूमा झुकी हुई, जिस दिन हमारे कैमरे को तोड़ा गया, हमारे दो कैमरामैन को बुरी तरह मारा गया, मेरे हाथ से काट। बहुत बड़ी एक मॉरल विक्ट्री हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई है, चुनाव जीत लिया। और ऐसा लगता है कि मतलब हम पत्रकारों का ही विरोध क्यों हो सकता है कि हम वो लाइन ना बोलते हो जो आप सुनना चाहे, लेकिन क्या प्रजातंत्र में एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने का, उसको जानने का, उसको रखने का अधिकार नहीं है? और क्या कारण है कि हमको यहाँ पर अंदर नहीं आने दिया जा रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसी आधार पर देश के लोकतंत्र की और देश के संविधान की रक्षा की बात कही जा रही है? और क्या